ZTV पर इन दिनों सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामापा लिटिल चैंप्स ने धूम मचा रखी है। शो में इस बार नन्हे कलाकार अपनी आवाज का जादू बिखेरते नजर आ रहे हैं। इस शो को इंडस्ट्री की लेजेंडरी सिंगर अलका याग्निक, कुमार सानू और उदित नारायण जज कर रहे हैं। मनीष पॉल इस शो को होस्ट कर रहे हैं। इस बार शो पर कमाल के नन्हे कलाकार आए हैं। कुछ नन्हे उस्तादों ने तो शुरू से ही सभी को अपना दीवाना बना दिया है। ऐसे ही एक लिटिल चैंप है सतीश कुमार। सतीश ने शुरू से ही अपनी आवाज़ का जादू जजेस और ज्यूरी पर चला दिया है। ऑडिशन राउंड में मेरे दश के कमर गाकर सतीश ने कमाल कर दिया था। इनका कद भले ही छोटा हो, लेकिन जब ये गाते हैं तब इनके सुर सातवें आसमान को छूते हैं। ऑडिशन राउंड में सतीश के पिता ने उनकी कहानी भी बताई थी कि किस तरह छोटा कद होने की वजह से सतीश को लोग चिढ़ाते हैं। यहाँ पर भी सभी जजेस सतीश का हौसला बढ़ाते नजर आए थे। सतीश जब भी गाते हैं जबरदस्त गाते हैं। एक बार फिर सतीश ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर दिया है। इस हफ्ते शो पर होली की खुमारी चढ़ी हुई है। होली के इस रंग भरे माहौल के बीच ही सतीश ने अपने गाने से माहौल को और भी रंगीन कर दिया। सतीश ग्रैंड प्रीमियर में रंग भर से भीगे चुनर वाली गाते नजर आए। इस गाने को गाते गाते सतीश झूम भी रहे थे और जजेस और जूरी सतीश के संदाज को देखकर बहुत खुश नजर आए। सतीश ने ये गाना इतनी खूबसूरती से गाया कि जूरी मेंबर्स ने अपनी जगह से उठकर सतीश को गोद में उठा लिया। तीनों जजेस भी सतीश की तारीफ करते नजर आए। सतीश के सुरों को देखते हुए उनकी तुलना हाल ही में इंडियन आइडल के विनर रहे सनी हिंदुस्तानी से की जा रही थी कि सतीश भी सनी की तरह ही गाते हैं। लेकिन हर सिंगर की अपनी एक अलग क्वालिटी होती है और वही उसे सबसे अलग बना दी है। सतीश के हौसले सबसे ऊंचे हैं और सबसे अलग हैं, और अपने हौसलों के बल पर सतीश कितनी ऊंची उड़ान भर पाते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।